नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि जितनी लूटपाट के मामले बिहार में हर रोज सामने आते हैं वो इस बात को बिल्कुल सही साबित कर देते हैं। ताज़ा मामला बिहार के सहरसा जिले से सामने आया है, जहाँ कुछ अपराधियों ने हथियार के दम पर लाखों की लूट की है और इस वक्त वो फरार चल रहे हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन अपराधियों के दरभंगा में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, इन अपराधियों ने अपराध के दम पर 20 लाख रुपए की लूट की है और पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। पूरी खबर क्या है, कहां ये लूट हुई, अब आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार के सहरसा जिले में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। मामला जिले के जलाई ओपी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से 20 लाख की लूट हुई है। जिस इलाके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है वो दरभंगा जिला और सहरसा जिले के बॉर्डर के इलाके में पड़ता है। घटना बिरौल सहरसा मार्ग पर बधवा पुल के पास की है, जहां पिस्टल के बल अपराधियों ने 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। इस दौरान लुटेरों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की और इसके बाद एक झाड़ी में छिप गए। पीड़ित कर्मी मसीहुज्जमा उर्फ निराले सहरसा जिले के जलाई ओपी स्थित अली नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो बैग में 20 लाख रुपए लेकर बघवा कोसी पुल के पास बस से उतरे तो वहां पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर उससे रुपए छीन लिए और वो बैग लेकर फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने फायरिंग की शुरुआत की और फायरिंग करते करते वो वहां से भाग निकले। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट चुकी है। इस मामले में दरभंगा के एसएसपी बाबू राम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लूट की घटना सहरसा जिले में हुई है, लेकिन चूंकि जिला दरभंगा से सटा है इस कारण जिले का बॉर्डर ओपी बड़गांव ओपी को एसएसपी ने अलर्ट पर रखा हुआ है। लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों के दरभंगा जिले में छिपे होने की आशंका जो है वो इस वक्त जताई जा रही है। हथियार के दम पर 20 लाख की लूट करने वाले इन अपराधियों की तलाश में पुलिस निरंतर जुटी हुई है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिससे उन अपराधियों को तो पकड़ा जा ही सके, साथ ही साथ जो 20 लाख रुपए लेकर वो फरार हुए हैं उन्हें पुलिस वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बताते चले कि अपराधियों ने पिस्टल का दम दिखाकर फायरिंग की, बैग छीना और वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पहले अपराधी जो है आसपास किसी झाड़ी में छाकर छिप गए थे और मौका देखते ही वो वहां से भाग निकले और अब ये बातें सामने आ रही है कि उनके दरभंगा जिले में छिपने की आशंका है। इसीलिए पुलिस ने उस इलाके के थाने को भी अलर्ट पर कर दिया है और अपराधियों की तलाश में जुट गई और बहुत जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लूट की जो रकम है उसे भी बरामद किया जा सके। ऐसी यानी वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।